public school in this medium primary standard first subject Hindi. और आज हम हिंदी सब्जेक्ट में चैप्टर 10 में गिनती पढ़ेंगे, 1 से 20 तक गिनती पढ़ेंगे। तो पहले हम अंग्रेजी में देखते हैं, फिर हिंदी और शब्दों में। तो अंग्रेजी में 1, हिंदी में 1 और शब्दों में भी 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7 से आपकी मात्रा सा और त, 8, 8, आ और ख, 9, 9, 9 से ओ की मात्रा नौ, 10, 10, द और स, ए लिखना है और क, तो क्या होगा, ए, 2, द और ओ की मात्रा दो, 3, त से ई की मात्रा 3 और 9, 4, च से ए की मात्रा 4, र, 5, क से ए की मात्रा और ऊपर चंद्र बिंदु लगाना है, च, 5, 6, तो 6 और ह, 7, तो स से अ की मात्रा 7 और त, 8, आ और ख, 9, 9 से औ की मात्रा 9, 10, द और स। अब हम 11 से 20 तक गिनती देखते हैं। अंग्रेजी में 11 और 1, 11 और 11, ग आधा करना है, फिर य से अ की मात्रा या और र और ह, क्या हो जाएगा, 11 ह, 12, 12 ह, बस से अ की मात्रा बा, र और ह, 13, 1 और 3, ते र ह, तो से की मात्रा ते र और ह, तो ते र ह, 14, 1 और 4, जैसे ओ की मात्रा चौ, द और ह, चौद ह, 15, 15 ह, प ऊपर डॉट लगाना है, द्र और ह, 15 ह, 16, 16 ह, सबसे ओ की मात्रा सो, ल और ह, 17, 1 और 7, स, र और ह, 17 ह, 18, 1 और 8, लिखना है और स लिखना है, कितने हुए, 10। अब
ना। अब सन, सन कितने, ए, तो यहाँ पे हमें लिखना है ए, ए और क, ए क। अब दिए गए हिंदी अंकों को शब्दों में लिखे। अब यहाँ पे हमें हिंदी अंक दिए उसको हमें वर्ड्स में यानी शब्द में लिखना है। एक और चार तो कितने होते हैं, चौदह, तो हमें यहाँ शब्द में लिखना है चल से और की मात्रा चौ द और ह, चौदह। एक और छ कितने होते हैं, सोलह, स से ऊ की मात्रा सो ल और ह, सोलह। एक और दो बारह, तो बस की मात्रा बार और ह। एक और पांच कितने होते हैं, पंद्रह, तो प ऊपर डॉट लगाना है और ह, पंद्रह। एक और आठ, अठारह, अ से की मात्रा ठा र और ह, अठारह। एक और तीन, तेरह, त से की मात्रा ते र और ह, तेरह। एक और सात कितने होते हैं, सत्रह, स त्र और ह, सत्रह। और एक ग्यारह, व आधा करना है, फिर य से आपकी मात्रा या र और ह, ग्यारह। एक और नौ, उन्नीस, उ न आधा करेंगे, न से की मात्रा नी और स, उन्नीस। दो और जीरो, बीस, बस ए की मात्रा बी और स। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, गिनती एक से बीस तक अंग्रेजी अंक, हिंदी अंक और शब्दों में। आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप यू आर ऑल अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओके बाय, थैंक यू।